आज की स्टूडियो में बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के सेकंड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म 2022 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग भी अपना महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं और आप लोग भी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग भी अपना सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो आप लोग को वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपको जो पूर्णांक प्राप्तांक फिलअप करने को बता रहा है, लेकिन काफी स्टूडेंट के रिजल्ट पे यहाँ पर जीपी यानी ग्रेड सिस्टम दिया है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। काफी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पर फीस कितनी है और ये फीस हम यहाँ पे किसके माध्यम से जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे। सो इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके आए। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे, गारंटी से कहता हूँ आप लोग भी अपना मार्क्स की जगह सीजेपी वगैरह डाल पाएंगे और साथ ही में आप लोग भी बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की फीस के बारे में भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के सेकंड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म आप लोग खुद से घर बैठे कैसे अप्लाई करते हैं, इस पे हमने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। लेकिन उस वीडियो में काफी कमेंट जो आ रहे थे कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पर क्या है, सर हमारे जो रिजल्ट में वो सीजेपी ग्रेड सिस्टम दिया है, हम इसे मार्च में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जिनके मार्क्स यहाँ पे दिए हैं उनके तो मार्क्स में फिल हो जाएंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हम तीनों बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेम के रिजल्ट आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट का रिजल्ट है, यहाँ पे हमारा रोल नंबर दिया है, नाम दिया है, फादर नेम दिया है, यहाँ पे हमारा इनरोलमेंट नंबर दिया है, हमारे कॉलेज का नाम यहाँ पर दिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पेपर के कोड दिए हैं, हमारे जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर दिए हैं, साथ में यहाँ पे ग्रेड पॉइंट दिया है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई है तो हमारे यहाँ पर बैक के कोड लिखे हैं, और लास्ट वाला जो पेपर आप लोग देख सकते हैं 49001 ये यहाँ पर नॉट क्लियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीन विषय में नॉट, दो में बैक है और एक में नॉट क्लियर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली आप लोग यहां पर देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेम का हमने यहां पर रिजल्ट ओपन कर लिया है और यहां पे हमारा रोल नंबर दिया है, यहां पे नाम दिया है, फादर नेम दिया है, मदर नेम दिया है, लेकिन यहां पर इन्होंने इनरोलमेंट नंबर को नहीं दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि इनने बीए वालों को इनरोलमेंट दे दिया लेकिन यहाँ पे बीएससी वालों को इनरोलमेंट नंबर क्यों नहीं दिया, तो इसकी जानकारी अभी मुझे भी नहीं मिल पाई है और जैसे ही मिलेगी हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना दे देंगे। बाकी हम यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर पे कल बात करेंगे, बाकी हम इस इनरोलमेंट नंबर की ये यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल कर पाएंगे ये भी हम आपको यहाँ पर कल के बताएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी वालों को ये प्रॉब्लम आ रही है और जो स्टूडेंट यहाँ पर बीकॉम के हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर आपको यहाँ पे दिया है, नाम दिया है, फादर नेम दिया है, मदर नेम दिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीकॉम के स्टूडेंट को यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर दे दिया है लेकिन बीएससी वालों को यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट का यहाँ पर भी उनका यहाँ पर ग्रेड सिस्टम दिया है, जीपी सिस्टम दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग अपने महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का जो फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म को भरेंगे, तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से भर पाएंगे। फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है और जैसा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म पर जा रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद हम अपने फॉर्म को लॉगिन कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए और यहाँ पे हम आ चुके हैं डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन। तो हमारा यहाँ पे बीए फर्स्ट सेम कम्प्लीट हुआ है और एमजेपी आरयू से कम्प्लीट हुआ है, इसे सेशन 2022 करेंगे। यदि आपका यहाँ पर बीए में नंबर मिले हैं, पूर्णांक प्राप्तांक मिला है, तो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, आपकी जो भी परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है जिसमें आपको यहाँ पे जीपी यानी ग्रेड सिस्टम दिया है जे करके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी एसजेपी आया है
वो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ग्रेडिंग पे आपको यस करेंगे और आप लोग यहाँ पर एस जे पी को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पर दिया हुआ 3.43, तो हमें यहाँ पर इसे यहाँ पर यही फिल करना है 3.43 और हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपके यूनिवर्सिटी ने इनरोलमेंट कर दिया तो इस पर टिक करने के बाद आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनरोलमेंट बीएससी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं दिया है, और ये क्यों नहीं दिया इसके बारे में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और इसकी मैं यूनिवर्सिटी बात करूंगा तो इसकी आगे की अपडेट आपको कल दे पाऊंगा। आप लोग जैसे अपने फॉर्म को फिल करेंगे, कंप्लीट करने के बाद आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी फीस है वो दोस्तों यहाँ पे 1200 रुपये फीस पेमेंट करना है, और ये पेमेंट आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना कंटिन्यू फॉर पेमेंट, और ये पेमेंट आप लोग कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह कि अगर आप लोग यहाँ पर गूगल पे फोन पे के जरिए करते हैं तो कभी कभी पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती है, तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो फाइनली ये था कुछ एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के सेकंड सेमेस्टर की फीस की डिटेल मास एंड जीपी के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों शेयर करो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।